Hey guys, welcome back to my channel. और आप लोग कैसे हैं? I hope आप लोग अच्छे से होंगे. शेयर करके जरूर बताना. तो guys, जो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है अदरक वाली चाय. अदरक वाली चाय कैसे बनाएं? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन चाय बनाना तो बिल्कुल नहीं आती है, चाय नहीं अच्छी बनती, टेस्टी नहीं है. मतलब ऐसी चीजें आप लोगों को सुनने को मिल जाती है. तो गाइस, तो मैंने सोचा चलो आज ना अदरक वाली चाय की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं. तो जो हमारी दिन की जो शुरुआत होती है सुबह की, तो सुबह की शुरुआत होती है वो अदरक वाली चाय से होती है. और मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट है अदरक वाली चाय. तो जो लोग बैचलर हैं और जिन्होंने आज तक किचन में जरा भी पैर भी नहीं रखा हुआ है तो वो लोग भी सीख ले कि अदरक वाली चाय कैसे बनाते हैं. जो अदरक वाली चाय की जो रेसिपी है आप लोग इस तरह से ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी बोलेगा वाह क्या चाय बनाई है. तो मैंने सोचा चलो आज का जो ब्लॉग है वो चाय की, अदरक वाली चाय की रेसिपी के साथ ही स्टार्ट किया जाए. तो गाइस, अदरक वाली जो चाय की जो फायदे है ना वो बहुत ज्यादा है. इससे क्या होता है कि पेट जो होता है वो कंट्रोल में रहता है और कम से कम भी आप पूरे दिन में 2 से 3 कप जो है चाय, अदरक वाली चाय जो पी सकते हैं. इससे कोई नुकसान नहीं होता. और जैसे भी ना मौसम चेंज होता है तो चाय की भी सर्दी खांसी जुकाम शुरू हो जाता है तो इसको पीने से क्या होता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है. और सबसे बड़ी बात है इसमें ना काफ़ी सारे विटामिन पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन और साथ में जो भी आपके पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है ना वो काफ़ी दूर हो जाती है. और बीपी भी जो होता है ना कंट्रोल में रहता है. खैर एक्सेस में तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती लेकिन हाँ उतना तो पियो, कम से कम भी जो फायदेमंद हो कम से कम 2 या 3 कप जो है आप पी सकते हैं. खैर हम तो जो है ना सुबह और शाम की जो चाय लेते हैं वो अदरक वाली ही लेते हैं. तो देर किस बात की, तो शुरू करते हैं अदरक वाली चाय बनाने की रेसिपी. यहाँ हम 1 कप पानी लेंगे. तो पानी को जो है ना अच्छी तरह से बॉयल करेंगे और जैसे ही पानी बॉयल होएगा तो इसमें जिंजर ऐड कर देंगे, यानी कि अदरक. ऐसे आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आ गया है तो ये जिंजर है मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी. और अब इसके बाद जो है ये दूध है 1 कप मैं ऐड कर दूंगी. तो गाइस मैं बना रही हूँ 2 कप चाय, उसके लिए मैंने लिया है 1 कप पानी और 1 कप दूध. तो इसमें जो है मैं पहले करूँगी चीनी ऐड. तो गाइस चीनी की जगह ना मैं देसी खांड यूज़ करती हूँ. अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चीनी यूज़ कर सकते हैं. तो मीठा आपको जितना आपको पसंद है उस हिसाब से ले सकते हैं. और मैंने चाय पत्ती इसलिए नहीं डाली है क्योंकि ना चाय पत्ती डालने से ना पहले और बाद में चीनी डालने से तो वो टेस्ट नहीं आता, टेस्ट ना ख़राब हो सकता है. तो आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिए, बड़ी अच्छी चाय बनती है. तो जैसे ये चीनी घुल जाएगी तो इसमें डालूंगी मैं चाय पत्ती. गाइस चीनी तो इसमें घुल गई है तो इसमें चाय पत्ती मैंने ऐड कर दी और इसको कम से कम भी 1-2 मिनट बॉयल करूँगी जिससे चाय है ना वो बहुत ही अच्छी बनेगी. तो जो चाय होती है ना वो अच्छे से बॉयल होना चाहिए तभी चाय का टेस्ट आता है. तो गाइस ये देखिए खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आ रही है और चाय पत्ती है वो भी अच्छी तरह से बॉयल मैं कर दूंगी. देखिए कलर भी बहुत अच्छा है, मस्त आया है. तो चीनी भाई दूध जो है आप अपने हिसाब से, ज़्यादा ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, कम लेना चाहते हो तो दूध अपने हिसाब से ले सकते हो. तो अदरक वाली चाय है वो बनकर बिल्कुल रेडी है. तो गाइस ये जो चाय है मैं इसमें छान लूंगी. तो गाइस जो अदरक वाली चाय है वो तो बन के तैयार भी हो गई थी और हमने पी भी ली और यह बस चाय बनी थी. तो अदरक वाली जो चाय है उससे जैसे मैंने आपको फायदे गिनवाए ऐसे बहुत से फायदे हैं इसको बना और ना इसको बनाइए और आप भी ना अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए. कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये जो चाय मैंने इस तरीके से बनाई आप लोगों को कैसे लगी, शेयर करके ज़रूर बताना.
तो गाइज बस जो आज का जो ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ज़रा भी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।